एक काल्पनिक मूवी है और हम शुरू में देखते हैं कि एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम अरबानो है और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए वहाँ पर दो फरिश्ते आते हैं और उनके साथ एक चुड़ैल भी आती है। वो चुड़ैल उस बच्चे को शाप देती है। वो कहती है उसे जिंदगी में तकलीफें और गरीबी मिलेगी और उसकी जिंदगी मौत के करीब ही घूमती रहेगी और उसकी माँ की मृत्यु होगी और वो अनाथ रहेगा। दूसरी तरफ फरिश्ते उसे आशीर्वाद देते हैं कि वो सारी परेशानी से दूर होकर बहुत धन कमाएगा और वो दिल से अमीर बनेगा। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है मौत को कोई नहीं हरा सकता और उसकी भविष्यवाणी सच होगी। वो फरिश्तों से कहती है कि चलो देखते हैं इसकी भविष्यवाणी सच होगी, तुम्हारी या मेरी। अब तितलियाँ उस बच्चे के माँ के पास जाती है। वो मृत्यु की तितलियाँ होती है, उस वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा अनाथ हो जाता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो एक वॉचमेकर है और उसका वॉच बनाने का दुकान भी है। उसकी एक पत्नी है और लोरा नाम की एक बच्ची है। वो एक दिन रात में घोड़ा गाड़ी में बैठकर जंगल में गुजर रहे थे। वहाँ पर उसे चमत्कारी रोशनी दिखाई देती है। वो उस तरफ जाकर देखता है, वहाँ पर खजाना होता है और वहाँ वही दो फरिश्ते होते हैं। वो सोने के सिक्के गिन रहे होते हैं। वॉचमेकर उन्हें पूछता है कि ये खजाना किसका है और मुझे भी ये खजाना चाहिए। फरिश्ते उसे इनकार करते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये सब खजाना अरबानो को मिलेगा और अरबानो की शादी उस वॉचमेकर की बेटी के साथ लोरा के साथ हो जाएगी। वो उसे इसलिए कहते हैं कि उन्हें वो खजाना अरबानो तक पहुंचाना था और उन्होंने की गई भविष्यवाणी सच करनी थी और चुड़ैल को हराना था। फरिश्तों ने बताई हुई भविष्यवाणी का ख्याल करते हुए वापस घर चला जाता है। घर आके देखता है उसके शूज पर वहाँ के खजाने से एक सोने का सिक्का चिपक गया था। वो अपने पत्नी को सब बातें बताते हुए सिक्का दिखाता है। वॉचमेकर को खजाना किसी भी हाल में चाहिए था। अब उसे अरबन को ढूंढना था क्योंकि उसे फरिश्तों ने बताया था कि वो खजाना अरबन को मिलने वाला है। वॉचमेकर वो सिक्का अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है ताकि वो अरबन तक पहुंच सके। थोड़ी देर के बाद उस सिक्के को एक बच्चा उठा लेता है। वॉचमेकर ये देखता है और उसके पीछे भागते हुए जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसी से वो सिक्का छीन लेता है और उसका नाम पूछ लेता है। उसे पता चलता है कि वो अरबन ही है। वो अरबन को अपने घर ले जाता है और लंच करते समय अपनी पत्नी और उसकी बेटी लोरा से कहता है कि अरबन की देखभाल और पढ़ाई की जिम्मेदारी वो लेगा। रात में वो सिक्का अपने खुद के खजाने के पेटी में रख देता है। अब वॉचमेकर अपने पत्नी को बताता है कि उसे लोरा की शादी अरबन से करनी है क्योंकि शादी करने के बाद अरबन को मिलने वाला खजाना उसे मिलेगा और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी इनकार करती है क्योंकि उन दोनों की उम्र अभी कम थी। वॉचमेकर अब दोनों बड़े होने का इंतजार करता है। तब तक वो उसे वॉच बनाना सिखा देता है। लोरा और अरबानो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो साथ में स्कूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोरा और अरबान बड़े हो चुके हैं। वॉचमेकर को उनकी जल्द से जल्द शादी करनी थी। लोरा के जन्मदिन पर वॉचमेकर अपनी लड़की लोरा और अरबान की शादी घोषित करता है और वो दोनों शादी करने के लिए तैयार भी थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वॉचमेकर अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और वो भविष्यवाणी करती है। वो बताती है कि तुम खजाने के लिए अपनी बेटी की शादी उस अरबान से कर रहे हो, मुझे पता है, पर उनकी शादी होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो मरना नहीं चाहता था इसलिए उनकी शादी के लिए मना कर देता है। लोरा और अरबान दुखी हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि लोरा के पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं। वॉचमेकर को अपने दोस्तों के बातों से एक घड़ी के बारे में पता चलता है और ऐसी घड़ी होती है जब तक जिसके पास घड़ी होती है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और वो घड़ी लाने अरबान को भेजने के लिए सलाह देती है क्योंकि उसे अरबान को मृत्यु की तरफ ले जाना था। वॉचमेकर भी मान जाता है क्योंकि वो घड़ी मिलना मुश्किल था और वो लेने गया तो वापस नहीं आ सकता था। वो नहीं गया तो लोरा की शादी उसके साथ नहीं हो सकती थी और उसकी जान भी बच जाएगी। वॉचमेकर घर आते ही अरबान को मृत्यु की चेतावनी देने वाली घड़ी के बारे में बता देता है। वो उसे वचन देता है कि घड़ी लाने के बाद वो लोरा और अरबान की शादी कर देगा और रात में लोरा को बिना बताए हुए घड़ी लाने भेजता है। अरबान भी लोरा के लिए राजी हो जाता है और जाते समय लोरा के लिए एक चिट्ठी लिख देता है और उनके कुत्ते के बेल्ट में रख देता है और उसे कुत्ते को बताता है कि वो लेटर लोरा को दे और वो वहाँ से जाता है। सुबह होती है, लोरा अरबान को ढूंढने लगती है और वो रोने लगती है। वॉचमेकर उसे झूठ बोलता है कि
वो घर छोड़कर भाग गया है, वो वापस नहीं आएगा, तुम अब उसे भूल जाओ। लॉरा उसकी याद में रहती है। हारवान अब घड़ी के बारे में पूछते एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे वो दो फरिश्ते मिलते हैं जो उसे मदद करना चाहते हैं। वो उसे लेकर एक जंगल आते हैं। उनका पीछा करते चुड़ैल भी आ जाती है। हारवान उन्हें घड़ी के बारे में पूछता है कि ये घड़ी मुझे कहाँ मिलेगी। चुड़ैल उसे कहती है कि उसे पता है कि घड़ी कहाँ है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। फरिश्ते हारवान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। चुड़ैल उसे एक बियर के पुराने दुकान के बाहर छोड़कर चली जाती है। वो अंदर जाके दुकान वालों से घड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया होता है। उसे वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जगह शापित होती है। और ठीक 12 बजे कुछ लोग अचानक से आ जाते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं और दुकान का नुकसान भी करते हैं। उनसे आम इंसान को बच के निकल जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हारवान उनकी बात नहीं सुनता और 12 बजते ही वहाँ पर वो लोग आते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। हारवान ये सब देख रहा होता है। वो लोग उस पर भी हमला करते हैं। चुड़ैल जानबूझकर मुसीबत में डाल रही थी, लेकिन फरिश्ते ऐसा होने नहीं देते। वो हारवान के पास जाकर वहाँ से बचने का रास्ता बताता है। वो उसे कहते हैं कि इस जगह को शाप मुक्त करने के लिए उसे कोयले का अंडा लाना होगा जो उस दुकान के घड़ी के पास था, और उस अंडे में से आधी रात में बच्चा पैदा करना था, और ऐसा नहीं हो पाया तो वो जगह हमेशा के लिए शापित हो जाएगी और हारवान वहाँ से कभी नहीं निकलेगा। हारवान उस कोयल के अंडे से बच्चा पैदा करता है और वो जगह श्राप मुक्त होती है। अब हारवान वहाँ से बाहर निकलता है और आगे घड़ी के खोज में निकलता है। यहाँ वॉचमेकर लॉरा की शादी किसी और आदमी से तय करता है, लेकिन लॉरा उस शादी के लिए राजी नहीं थी। वॉचमेकर उसकी शादी जबरदस्ती से कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास कुत्ता आ जाता है। लॉरा को उस कुत्ते के बेल्ट में एक लेटर दिखाई देता है। वो उसे पढ़ती है। उसमें हारवान ने लिखा होता है कि वो उसे बेहद प्यार करता है और वो जल्द ही वापस आएगा। ये पढ़ते ही लॉरा शादी छोड़कर घर आ जाती है। आगे हारवान को वो दो फरिश्ते उस घड़ी तक जाने वाला रास्ता दिखाते है और एक मेले में पहुंच जाते है। मेले में काफी भीड़ होती है। वहाँ कुछ लोग अपनी कर्तव्यगारी दिखा रहे थे। हारवान को उस मेले में आदि मानव जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है और उसे दो लोगों ने पिंजरे में बंद किया होता है और वो लोगों को दिखाकर पैसे कमा रहे थे, लेकिन उस आदि मानव को वो जिंदगी नहीं जीनी थी, उसे वहाँ से बाहर निकलना था। इसलिए आदि मानव हारवान से वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता है। हारवान अब रात को इंतजार करता है। उसे मदद करने के लिए फरिश्ते भी आते हैं और वो दो लोगों को बियर पिला देता है और वो दोनों सो जाते हैं। यही मौका देखकर हारवान आदि मानव को छुड़वा देता है और वो दोनों मेले से भाग जाते हैं। आदि मानव और हारवान भागते हुए खेत में आ जाते हैं। वहाँ के लोग आदि मानव को देखकर घबरा जाते हैं और उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं। उनसे बचकर वो दोनों एक घर की तरफ आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। हारवान आदि मानव को वहाँ से छुड़ाया, इसलिए वो खुश होकर तोहफे में एक घड़ी देता है और वो वही घड़ी होती है जो हारवान को चाहिए होती है और वो उसके ही खोज में था। अब हारवान उसे खुश होकर पूछता है कि वो घड़ी उसके पास कैसे। आदि मानव उसे बताता है कि वो पहले अंधे संत की सेवा करता था और उस संत को 250 साल जीना था, इसलिए उन्होंने खुद के हाथों से वो घड़ी बनाई थी जो मृत्यु को चेतावनी दे सकती है। वो घड़ी हमेशा अपने साथ ही रखते थे। एक दिन संत बाहर घूमने गए थे और उन्होंने घड़ी अपने साथ लाने भूल गए थे। अब उन्हें याद आने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और आदि मानव को वो घड़ी लाने वापस भेजते हैं। घड़ी लेके वापस उनके पास पहुंचता तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है और तभी से वो घड़ी मेरे पास ही है। हारवान उसे शुक्रिया बोलता है और वो घड़ी लेकर अपने घर जाने निकलता है। यहाँ पर लॉरा अपने प्यार का इंतजार कर रही होती है और कुछ खा पी नहीं रही थी। वो बीमार हो चुकी होती है, इसलिए उसे अस्पताल में ले जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद हारवान थक जाता है और वो सो जाता है। ये देखकर चुड़ैल वहाँ पर आती है, उसे घड़ी छीन कर भागने लगती है। हारवान भी उसके पीछे भागता है। चुड़ैल को उसे मारना था, इसलिए उसे पहाड़ पे ले जाती है जहाँ कभी सूरज डूबता नहीं है और वहाँ गया इंसान वापस नहीं आ सकता था। चुड़ैल वो घड़ी पहाड़ पे फेंक देती है। हारवान अपने प्यार को पाने के लिए पहाड़ पे चढ़ जाता है। उसे वो घड़ी दिखाई देती है और उसे वो लेता है। तभी वहाँ पर मृत्यु देने वाली और जीवन देने वाली रानी आ जाती है। वो हारवान को वहाँ से निकलने के लिए एक घड़ी बनाने के लिए कहती है, लेकिन उसे वहाँ पर बनाना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर कोई औजार मौजूद नहीं था। लेकिन हारवान को वहाँ से घर जाने के लिए वो घड़ी बनानी थी। वो अपना दिमाग लगाकर सूरज के छाया की मदद से
और वहाँ के मौजूद लकड़ी से घड़ी बना देता है। वो घड़ी वो रानियों को पसंद आती है और उसे आजाद करते हैं। लेकिन मृत्यु की रानी लोरा के लिए एक मृत्यु की तितली छोड़ती है और उसे कहती है कि तुम इस तितली से पहले लोरा के पास पहुंचना होगा। अगर तुमसे पहले वो तितली पहुंच जाएगी तो लोरा की जान जाएगी। जीवन की रानी भी उसे एक जीवन की तितली दे देती है लोरा की जान बच सके। ये सब फरिश्ते और चुड़ैल वो देख रही होती है। फरिश्ते चुड़ैल से कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तुम उसे जाने दो। लेकिन चुड़ैल को उसकी ही जीत होनी चाहिए थी। अरबान अब पहाड़ से नीचे आता है और भागते हुए लोरा के पास आ रहा होता है। तितलियां भी उड़ के आ रही होती है। अरबान घर पहुंचता है, लोरा के माँ से मिलता है। वो बताती है कि लोरा बीमार है और वो अभी अस्पताल में है। वो लोरा को मिलने चला जाता है। अब चुड़ैल चुप नहीं बैठती। वो आकर वॉचमेकर को बताती है कि अरबान वापस आया है और अब उनकी शादी हो जाएगी और तुम्हारी जान चली जाएगी। वॉचमेकर को ये नहीं होने देना था। चुड़ैल वॉचमेकर को अरबान को मारने की सलाह देती है। अरबान अस्पताल आता है और उसके साथ जीवन की तितली भी आ जाती है। फरिश्ते भी वहाँ से आते हैं और उसे लोरा के पास लेके जाते हैं। फरिश्ते अस्पताल की दरवाजा खिड़कियां बंद कर देते हैं क्योंकि वो मृत्यु की तितलियां अंदर ना आ सके। अरबान लोरा को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो आंख नहीं खुलती। वो निराश हो जाता है। तभी लोरा के हाथ पर जीवन की तितली आकर बैठती है। अरबान उसे गाना सुना के उठा रहा होता है और लोरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। पीछे से वॉचमेकर उसे मारने चाकू ला रहा होता है। तभी लोरा उसे आवाज देती है और वो अरबान को मार नहीं पाता। अब अरबान वॉचमेकर को वो घड़ी देता है। वॉचमेकर वो घड़ी देखकर खुश होता है क्योंकि अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर सकता है। आखिर हम देखते हैं कि लोरा और अरबान की शादी धूमधाम से हो रही है और वो दोनों साथ में खुश है। अब वॉचमेकर के मन में डर आता है कि एक घड़ी किसी ने चुराई तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो रात में ही वैसी ही घड़ी बना देता है। उसे उसके पास में जो घड़ी थी उसे खोलकर देखता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मृत्यु को चेतावनी देती है, और वो उस घड़ी को खोल के देखता है। तभी बाहर डोर की बेल सुनाई देती है और वो बाहर चला जाता है। बाहर आते ही उसके कंधे पर वो तितलियां बैठती है और आखिर उसकी मौत हो जाती है। अब वॉचमेकर की मृत्यु के बाद वही दो फरिश्ते उसकी मृत्यु पत्र पढ़ के बताते हैं कि उसके पत्नी को घर का हिस्सा मिल गया है और लोरा और अरबान को वो घड़ी बनाने का दुकान मिल गया है। साथ में तोहफे में 1,00,000 के सिक्के मिल गए है। आखिर फरिश्तों को वो सोना अरबान को ही देना था, उसे वो मिल जाता है। उनकी भविष्यवाणी सच होती है और वो जीत जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।